हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम। क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है और ये लेके आना है। तो हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करें बेटा इसका? अपन इसका कर देते हैं सर टी के रेस्पेक्ट में। हमें गिवन एक्स इक्वल्स टू 4t है और वाई इक्वल्स टू 4/t है। सर इसका होगा dx/dt, 4 का 1 हो जाए, 4 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नेम दे रहा हूँ, और ये dt। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसे है 4, और ये क्या है यहाँ पे देखो, ये एक्चुअल में ऐसे है 4t की पावर -1 हो गई। अब अपन ने x की पावर, n का फॉर्मूला जानते हैं सर, n उठ के आगे आ जाता है, पावर में से एक कम हो जाता है। मैं वही ये करूंगा, यहाँ पे -1 आगे ले आऊंगा, टी में से टी की जो पावर है ना उसमें से -1 कर दूंगा। तो इन शॉर्ट -4t की पावर -2 बचेगा यहाँ पे, समझे? ये सेकंड इक्वेशन है आपके पास। अब डिवाइड कर दो आप इक्वेशन सेकंड बाय 1, और dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt -4t -2, 4, dt से dt गया, 4 से 4 गया, क्या बचा आपके पास? -t की पावर -2। इसको मैं सॉल्व करके -1/t² लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर। तो dy/dx की वैल्यू आ गई -1/t². अब बताओ समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड।